Assalamu alaikum student, previously we have discussed that coronation ceremony is ended up. Now Rasendal has to go back to his own place, means in England. Okay, क्योंकि ये किस purpose के लिए आया था? He wanted to attend the coronation ceremony. Now he has attended. Now he has to go back to his place. इसको वापस जाना है. Now he is taking interest in the Princess Flavia. कॉलोनिया से भी इसको बार बार समझा रहा है, यू शुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन दिस पार्ट बिकॉज दिस इज डेंजरस. अब देखते हैं वो लोग किंग को कैसे वापस लाएंगे. अब टाइटल आपको दिख रहा है इस चैप्टर का, द सीक्रेट ऑफ द सेलर, इसका मतलब कुछ सीक्रेट है. और मैं आप ये भी बताते चलो, इन द कॉर्नेशन सेरेमनी ब्लैक मैकर रिसीव द न्यूज़, वी डोंट नो अबाउट दैट न्यूज़. और इसको ये न्यूज़ किसने भेजी थी, क्या न्यूज़ है, हमें कुछ भी नहीं पता. अब ब्रेसिंडल को अपनी जगह पे जाना है, रात हो गई है. अब ये लोग रात के अंधेरे में पैलेस से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, शूटिंग लॉज में जाएंगे जहाँ पर किंग को रखा गया है. अब सोचने की बात ये है कि वहाँ पे किंग होगा या नहीं होगा. सो लेट्स डिस्कस, हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, लेट मी सर्च आउट. ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ. यू विल बी लकी, ऑब्जर्व सैब ग्रीमली. यू आर नॉट द लेट रुडोल्फ रेसिंडल बाय हैविंग आई फील माई हेड वॉबलिंग ऑन माई शोल्डर एवरी मिनट यू आर इन द सिटी. डू यू नो फ्रेंड दैट माइकल हैड न्यूज फ्रॉम जेंडा. ही वेंटेड टू द रूम अलोन टू रीड इट एंड केम आउट लुकिंग लाइक अ मैन डेस. ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि माइकल को न्यूज़ मिली थी, हमें वो न्यूज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता. मे बी दैट न्यूज़ इज़ अबाउट किंग. तो अब देखते हैं कॉलोनिया सैब क्या डिसाइड करता है. आई एम रेडी सैड आई. अब यहाँ पर रेसिडेंट कहता है आई एम रेडी टू गो बैक, मतलब वो वापस जाने के लिए तैयार है. दिस न्यूज़ मेकिंग मी नन द मोर ईगर टू लिंगर. सैप सेट डाउन, आई मस्ट राइट एन ऑर्डर टू लीव द सिटी. माइकल गवर्नर, यू नो वी मस्ट बी प्रिपेयर फॉर हिंड्रेंस, यू मस्ट साइन द ऑर्डर. अब किंग जब पैलेस से निकलेगा तो ही हैज़ टू साइन सम ऑर्डर. किंग पैलेस से निकल रहा है ना, सो ही हैज़ टू राइट सम ऑर्डर. तो यहाँ पे रेसेंटल ऑर्डर लिख रहा है. माई डियर कॉलोनल, आई हैव नॉट बीन ब्रेड अ फ्रॉगर. यहाँ ब्रेड और फ्रॉगर का मतलब है कॉपी कैट नहीं है. अब देखो एक ऑर्डर बन रहा है ना, ऑर्डर में किंग की सिग्नेचर तो चाहिए होगी. अब यहाँ पे रेसिंडल सिग्नेचर को कॉपी करने से इनकार कर रहा है. आउट ऑफ हिज पॉकेट सैप प्रोड्यूस अ पीस ऑफ पेपर्स. दिस इज़ अ किंग सिग्नेचर ही सैड हियर. ही वेंट ऑन आफ्टर अनदर सर्च इन हिज पॉकेट इज सम ट्रेसिंग पेपर. ट्रेसिंग पेपर तो आपको पता है ना, जब किसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं तो हम ट्रेसिंग पेपर यूज़ करते हैं. इफ़ यू कैन नॉट मैनेज रुडोल्फ इन 10 मिनट, वाई आई कैन. अब यहाँ पे रेसिंडल को कॉलोनिया सैब कह रहा है दिस इज़ द सिग्नेचर ऑफ द किंग, नाउ यू हैव टू कॉपी दिस सिग्नेचर. आप देखते हैं रेसिंडल सिग्नेचर को कॉपी करेगा क्या, इसके रोल में है किसी के सिग्नेचर को कॉपी करना. ज़रा देखते हैं रेसिंडल वैसे अपने रूल का बहुत पक्का है, ज़रा देखते हैं वो सिग्नेचर को कॉपी करता है या नहीं करता. योर एजुकेशन हैज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन माइन. अब यहाँ पर रेसिंडल कॉलोनिया सैब को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि यू आर मोर एजुकेटेड दैन मी, सो यू शुड कॉपी दैट सिग्नेचर. यहाँ पर रेसिंडल कॉलोनिया सैब को कह रहा है मैं कॉपी नहीं करूँगा, तुम कॉपी करोगे क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन मुझसे ज़्यादा है. अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर जाते हैं. ये थोड़ी सी इररेलेवेंट बातें हो रही हैं यहाँ पर, इतनी इम्पॉर्टेंट बातें नहीं हो रही है. रेसिडेंट को कहाँ जाना है, वाइन सेलर की तरफ जाना है रेसिडेंट को, कॉलोनिया सैब को और फ्रिट्स को, क्योंकि उन्हें किंग को बचाना है, किंग को पैलेस लेकर आना है और रेसिडेंट को अपने मुल्क वापस भेजना है. सो अब देखते हैं क्या होता है सिचुएशन, क्या रेसिडेंट अपने घर वापस जा पाएगा या रेसिडेंट यहाँ किंग बन के रहेगा. नेक्स्ट पेज पर ज़रा हम देखते हैं. अच्छा, जो पिछला पेज था उसको हम डिस्कस कर रहे थे कि रेसिडेंट को एक ऑर्डर पर साइन करनी थी जिसको वो साइन करने से इनकार कर रहा था. अब वो बाहर निकलने से पहले कुछ प्लानिंग भी करेंगे. अब क्या प्लानिंग करते हैं ज़रा देखते हैं. यहाँ से मैं पढ़ने जा रही हूँ ना. फिर सैड ही द किंग गोज़ टू बेड.
अब यहाँ पे फ्रेंड्स को ये सबक पढ़ा के जाते हैं कि किंग अपने बेड पर सो रहा होगा। ये फ्रेंड्स को इसलिए कहा गया है ताकि कोई भी किंग से मिलने आए तो फ्रेंड्स सबको ये बताए कि किंग क्या कर रहा है, सो रहा है। किंग एक्चुअल में नहीं सो रहा, ओके। रैसेंडल एक्चुअल में जाएगा वाइन सेलर में किंग को बचाने के लिए, लेकिन अभी तो कुछ ड्रामा करना पड़ेगा ना पैलेस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स को छोड़ के जाएंगे और फ्रेंड्स को ये बता के जाएंगे, गंभीर मान के जाएंगे कि कोई भी आए तो तुम क्या करोगे कि किंग सो रहा है। ही इज़ अपसेट, नो वन इज टू सी हिम टिल 9 o'clock टमोरो। और कोई भी किंग को नहीं देखेगा 9 o'clock से पहले, वो भी टमोरो। यू अंडरस्टैंड नो वन? आई अंडरस्टैंड, सेड फ्रिट्ज। माइकल मे कम एंड क्लेम इमीडिएट ऑडियंस। यू विल आंसर दैट ओनली प्रिंसेस ऑफ द ब्लड आर एंटाइटल्ड टू इट। अब जो कि फ्रिट्ज है ना, उसको ये भी बताया गया है कि जो किंग की फैमिली से होंगे ना, वो अंदर आ सकते हैं, जैसे माइकल एंड प्रिंसेस फ्लेविया, लेकिन वो भी 9 o'clock के बाद, क्योंकि यहाँ पे किंग अवेलेबल तो नहीं होगा ना। रेसिंगर जा रहा है किंग को देखने के लिए, तो कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे रूम में किसको छोड़ के जा रहे हैं? फ्रिट्स को छोड़ के जा रहे हैं। फ्रिट्स को भी समझा के जा रहे हैं, इफ़ एनीबडी कम्स इन द रूम सो यू शुड से टू देम दैट किंग इज स्लीपिंग ऑन द बेड। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दैट विल अनॉय माइकल, लाफ फ्रिट्स। यू क्वाइट अंडरस्टैंड, आस्क द सेप अगेन, इफ द डोर ऑफ दिस रूम इज ओपन वी आर अवे, यू आर नॉट टू बी अलाउड टू टेल अस अबाउट इट। अब यहाँ पे इसको धमका के भी जाते हैं कि इफ दिस रूम डोर इज ओपन सो यू विल नॉट बी अलाउड, तुम जिंदा नहीं रहोगे। इसको थोड़ा सा धमका के भी जाते हैं। आई नीड नो स्कूलिंग कॉर्नर। अब फ्रिट्स कॉर्नर को कहते हैं, मुझे कोई तुम्हारी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, आई अंडरस्टूड ऑल द थिंग। अब देखते हैं, हियर रैप योर सेल्फ इन अ बिग क्लॉक। अब यहाँ पे सैप जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, तो वो रेसिडेंट को कहता है कि अपने फेस को भी तुम है ना छुपा दो। अब फेस छुपाने का क्या मकसद है, क्योंकि अब तो उसकी बियर्ड भी नहीं है और मॉस्टेजेस भी नहीं है। अगर रास्ते में कोई इसको देख लेगा तो कोई इसको पहचान भी सकता है। So here Colonel is saying to the Rassinger to wrap his face. अब आगे देखते हैं, and put on his plaid cap, my orderly ride with me to the shooting lodge tonight. अब गर्ल्स, यहाँ सवाल ये है कि पैलेस के दरवाजे से जाएंगे तो कोई भी उन्हें देख सकता है, क्या अपना कोई गार्ड्स देख लें या कोई भी देख सकता है। पैलेस के दरवाजे से जा ही नहीं सकते क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, एवरीबडी सेलिब्रेटिंग द अराइवल्स ऑफ द किंग, और यहाँ पे ये गेट से नहीं जा सकते। अब उन्हें कोई सीक्रेट प्लेस से जाना पड़ेगा। अब देखिए कॉलर सर ने क्या सोचा है, किस रास्ते से ये लोग जाएंगे। आई एम रेडी, सैड आई, फर्स्ट हेल्ड आउट हिज हैंड इन केस, सैड ही, बी शॉक एंड हार्टेडली, Damn your sentiment, growl, sap, come along. He went not to the door, but to the panel in a wall. अब गर्ल्स यहाँ पर देखे, we went not to the door. हम दरवाजे से नहीं गए, हम कहाँ से गए, to the panel in the window, in the wall, sorry. Panel क्या होते हैं गर्ल्स, it's just like a ventilator. आप देखें आपकी आप ज़्यादातर ये पैनल वगैरह है ना पाकिस्तान में, आप समझ ले ये हमारे वॉशरूम में एक ऊपर की छोटी सी खिड़की होती है, आप सबको पता ही होगा, तो उसके थ्रू जाते हैं, वो सीक्रेट विंडो के थ्रू जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। आपको पैनल की वीडियो, पैनल की पिक्चर भी मैं कोशिश करूँगी कि व्हाट्सएप के ग्रुप पर शेयर कर लूँ, तो आपको पता चल जाए कि पैनल होता क्या है। इन द ओल्ड किंग्स टाइम आई न्यू दिस वे वेल। अब कॉलर सेप तो ये सीक्रेट प्लेस पता है, क्योंकि ओल्ड किंग का जो टाइम था ना, तो ये सीक्रेट जो पैनल है ना उसको यूज़ करते थे। अब ये जगह सिर्फ कॉलर सेप को पता थी, अब इसको कॉलर सेप यूज़ करेगा, यहाँ से ये लोग जाएंगे। I followed him. We walk as I should estimate near 200 yards along a narrow passage. Then we came to the stock oak door. Sap unlocked it. अब जो पैनल के थ्रू भी जाते हैं ना, वहाँ से एक और दरवाज़ा आता है। Then Sap unlocked that door. We passed through and found ourselves in a quiet street that ran along the back of the palace garden.
अब ये स्ट्रीट में आ चुके हैं, गली में आ चुके हैं। पैनल के थ्रू उन्हें एक डोर मिला था और उसको अनलॉक करने के बाद वो लोग एक स्ट्रीट पे आ चुके हैं। अब ज़रा देखते हैं कोई रास्ते में देख तो नहीं जाएगा क्या, रास्ते के सारे रास्ते के जो सारे वेज हैं खुले हुए होंगे या नहीं खुले हुए होंगे। कस मैं पहले से ही बता दूँ, ये जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ पे एक गार्डन भी पड़ता है जो कि लॉक होगा। और अब वो लोग दरवाज़ा कैसे खोलेंगे हमें नहीं पता। अब आगे देखते हैं कैसे वो दरवाज़ा खोलेंगे, ज़रा देखते हैं। अमेर वॉज वेटिंग फॉर आवर्स विद टू हॉर्स, वन वॉज मैग्निफिशेंट बे अप टू एनी अवेट एंड द अदर स्टर्डी ब्राउन सेफ साइड टू मी टू माउंट द बे विदाउट अव ऑर्डर टू द मैन ही माउंटेड एंड ब्रॉड अवे। द टाउन वॉज फुल ऑफ नॉइस एंड मैरीमेंट। मैंने पहले ही कब कहा था सेलिब्रेशन हो रहा है तो टाउन में नॉइस और मैरीमेंट, मैरीमेंट का मतलब है खुशी और जश्न हो रहा था। वी टुक स्कॉल्डेड वे, माई क्लॉक वॉज रैप ओवर हाफ माई फेस, द कैप्शियस प्लेट कैप हाइड एवरी लॉक ऑफ माई टेल टेल हेयर। अब देखो इसके बाल क्या थे, रेड थे और रेड हेयर एल्बर्ट फैमिली की निशानी, तो इसने अपने बाल को भी हेड से हाइड किया हुआ था। By safe direction, I crouch on my saddle and rode with such a round back, I hope never to exhibition on the horse again. Down a long narrow line we went, meeting some venturer and some roasters, and we roared, we heard the cathedral bell still clanging out their welcome to the king. इट वॉज़ हाफ पास सिक्स, टाइम याद रखना अभी कितने बज रहे हैं, हाफ पास सिक्स है। स्टिल राइट एट लास्ट वी कैम टू, ओके गर्ल्स थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा स्लो स्टोरी चल रही है, लेकिन आपको सब ये याद रखना, सब कुछ सुनना है, ओके। आई नो कि थोड़ा बहुत ये बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन ये डिटेल भी आपको जानना ज़रूरी है कि वो किंग को बचाएंगे कैसे, किंग को कैसे रेस्क्यू करने जा रहे हैं, किंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक कहानी है। फिर हम नेक्स्ट पेज पर जा, अच्छा आप देखते हैं, द सिटी वॉल एंड टू द गेट, हैव यू वेपन रेडी, विश्वर सैड, वी मस्ट स्टॉप दिस माउंट एवरी स्टॉप। अब मैंने आपको कहा था ना कि एक गार्डन में जाएंगे और उसका दरवाज़ा बंद होगा, अब दरवाज़ा कैसे खोलेंगे हमें नहीं पता। सैफ यहाँ पर रसिंदर को कह रहा है कि तुम्हारी रिवॉल्वर रेडी है, अगर ये गार्डन के गेट का आदमी कुछ भी बोलेगा हम उसको शूट कर देंगे। अब देखते हैं क्या उसको शूट करेंगे या नहीं करेंगे। आई पुट माई हैंड और माई रिवॉल्वर, सैफ हेल्ड द डोर कीपर, द स्टार फॉट फॉर अस द लिटल ऑफ 14 गर्ल्स। अब गर्ल्स देखें यहाँ पे, A little girl of 14। अब वहाँ पे कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ, डोर के पास 15 ईयर ओल्ड गर्ल खड़ी हुई है। अब एक छोटी सी बच्ची है 15 ईयर ओल्ड, अब क्या रेसिंडर इसको मारेगा, नहीं मार सकता। रेसिंडर अपने उसूलों का बहुत पक्का है, वो कभी भी एक छोटी सी बच्ची को नहीं मारेगा। तो आप उससे क्या बातें कर रहे हैं 14 ईयर ओल्ड गर्ल से, डर देखें, प्लीज़ सर फादर वॉन्ट टू सी द किंग। अब यहाँ पर 14 ईयर ओल्ड जो गर्ल है वो कह रही है कि माई फादर हैज़ गोन टू सी द किंग, ओके, ही हैड बेटर हैव स्टे हियर सेड सैफ टू मी ग्रेनिंग, बट ही सैड आई वॉजन टू ओपन द गेट सर। अब वो छोटी सी बच्ची कह रही है कि आई एम नॉट अलाउड टू ओपन गेट, क्योंकि उसके उसके फादर उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे के गए हैं कि यू विल नॉट ओपन द गेट फॉर एनी वन। अब देखते हैं वो बच्ची को कैसे मनाएगा, बच्ची मानेगी नहीं मानेगी, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पे बच्ची जिद में खड़ी हुई है कि वो गेट नहीं खोलेगी। डिड ही माई डियर, सैड सैफ डिसमाउंटेड, देन गिव मी द की। अब जो कि सैफ जो घोड़े पे था वो घोड़े से उतर था, डिसमाउंटेड का मतलब है उतरना। सो वो कह रहा है तुम नहीं खोलोगे तो तुम मुझे की दे दो, मैं खुद खोल देता हूँ। अब छोटी सी बच्ची क्या की देगी या नहीं देगी। द की वॉज इन द चाइल्ड हैंड, सैफ गिव हर अ क्राउन। अब यहाँ पे क्राउन का मतलब ये नहीं कि उसको ताज दे देते हैं, उसको थोड़े पैसे देते हैं। अब देखते हैं वो दरवाज़ा खोलती है या नहीं खोलती, उसके हाथ में चाबी है। अब देखते हैं, हियर हियर एन ऑर्डर फ्रॉम द किंग, शो इट टू योर फादर, ऑर्डरली ओपन द डोर।
अब यहाँ पे सैफ बच्ची को बहलाने के लिए उसको कहता है कि किंग का ऑर्डर है और ये ऑर्डर तुम अपने फादर को दिखाना, अभी ओपन करो। अब जब किंग का ऑर्डर इसने सुना ना बच्ची ने कि किंग का ऑर्डर है, तो अब शायद वो दरवाज़ा खोले, देखते हैं खोलती है नहीं खोलती। आई लीव डाउन बिटवीन अस वी रोल बैक द ग्रेट गेट लेट आवर हॉर्सेस आउट एंड क्लोज इट अगेन। इसका मतलब बच्ची ने दरवाज़ा खोल लिया है, वो अंदर जाते हैं, वहाँ से कॉलन सैप और रसिंगल गुजरते हैं, देन दे क्लोज द डोर अगेन। अब देखते हैं, आई शुड बी सॉरी फॉर द डोर कीपर इफ माइकल फाइंड आउट दैट ही वाजंट डियर एंड दैट लेट फॉर द कैट वी शुड नॉट गो टू फार व्हाइल वी आर नियर द टाउन। अब जो कि रेसेंटल है ना, वो बुरा महसूस कर रहा है कि कभी डोर कीपर का माइकल को पता चल जाएगा कि उसने दरवाज़ा खोला है, तो वो डोर कीपर को कभी नहीं छोड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ तो कहानी में ट्विस्ट होने जा रहा है। अभी अभी क्या पता रास्ते में उन्हें माइकल के आदमी मिल जाए, देखते हैं। However, outside the city we ran into danger and for everybody was inside merrymaking as the evening fell. We quickened our pace and my splendid horse bounded along under me as though I had been a feather. It was a fine night. Presently the moon appeared. We talked little on the way, chiefly about the progress we were making. I wonder what the Duke dispatches told him. सैड आई। अब यहाँ पे रेसेंडर सोच रहा है कि उसको क्या न्यूज़ मिली होगी, कॉर्निश सेरेमनी में क्या न्यूज़ उसको मिली होगी। हमें नहीं पता उसको क्या न्यूज़ मिली है, ज़रा देखते हैं। इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा कि न्यूज़ क्या मिली थी। ए आई वॉन्डर्स वॉन्टेड सैप वी स्टॉप फॉर द ड्रॉप ऑफ वाइन। अब देखो इनसे ये गलती होती है, वो रास्ते में रुक जाते हैं किसके लिए, वाइन पीने के लिए। रेसेंडल और कॉर्नर सैप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं वाइन पीने के लिए। टू बैट अ हॉर्स लूजिंग हाफ एन आवर्स, अब वहाँ पे हाफ एन आवर्स गुजारते हैं। आई डेयर नॉट टू गो टू द इन, अब वहाँ पे इन भी होता है लेकिन वो इन में नहीं जाता। क्या वजह है, इन में क्यों नहीं जाएगा? इफ़ ही विल गो टू द इन सो लेडी विल रिकग्नाइज रेसेंडल, इसलिए वो नहीं जा रहा। ठीक है, आपको पता है आपने पहले पढ़ा था इन में एक लेडी थी और उसकी दो बेटियाँ थी, तो ये वही वाला इन है। स्टे विद द हॉर्स इन द स्टबल, स्टबल का मतलब है वो जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है। एंड वी वेंट अहेड अगेन एट कवर सम 5 and 20 miles व्हेन सैप अब्रप्टली स्टॉप। अब फिर से वो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, घोड़ा चलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एकदम से पता नहीं सैप को क्या होता है, स्टॉप हिमसेल्फ। अब हमें नहीं पता इसने अपने आप को क्यों रोका है, और फिर कहते हैं हर्क ही क्राइड आई लिसन अवे फ्रॉम बिहाइंड अस इन द स्टिल इवनिंग इट वाज हाफ पास्ट 9। अब कितने बज रहे हैं गर्ल्स, हाफ पास्ट 9। वी हर्ड अ बीट ऑफ हॉर्स होप, बस मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ। वी हर्ड द बीट ऑफ हॉर्सेस होप, होप का मतलब है घोड़े के पंजों की आवाज़ें आती हैं। किसको आ रही है पंजों की आवाज़ें? ये कॉर्नर सैप को आती है। आपको जब ये करेक्टर एग्जाम में लिखने के लिए आए ना, दिस टाइप ऑफ करेक्टर ऑफ कॉर्नर सैप, तो मैं बार बार कहती हूँ कॉर्नर सैप इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि वो हर चीज़ को पहले से परख लेता है। अब देखो ये रास्ते में था, इसको घोड़े के पंजों की आवाज़ आती है, तो रेसेंडल को भी स्टॉप करवाता हूँ, कहते हैं मुझे किसी के पंजों की आवाज़ आ रही है, घोड़े के पंजों की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारे अराउंड में कोई है। अब कोई है तो कौन होगा, जरा देखते हैं। द विंड ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग बिहाइंड अस कैरीड अ साउंड आई ग्लैंस एट सैप कम ऑन ही क्राइड स्पर हिज हॉर्स इनटू द गैलॉप वी नेक्स्ट पोज टू लिसन द होप वी वर नॉट अ डेबल वी रिलैक्स आवर पेस वी हर्ड देम अगेन सैप जंप डाउन लेड हिज हेयर टू द ग्राउंड। अब आवाज़ तो है ही थी घोड़े के पंजों की, लेकिन उसके बाद फिर रुक गई थी। फिर इन्होंने फिर सफ़र स्टार्ट किया, फिर घोड़े के पंजों की आवाज़ आई, फिर सैप ने अपने आप को फ्लोर पर डाला, मतलब ज़मीन पर डाला, और कान लगा के आवाज़ सुनने की कोशिश की कि कितने दूर से आवाज़ आ रही है, हमारे पास कोई है, ये हमारे दूर से आवाज़ आ रही है, ये सैप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कौन होगा ये। दे आर टू ही सैड, अब कॉलेज सैप को पता चल गया कि कितने आदमी हैं, दो आदमी हैं। They are only a mile ahead, mile behind.
thank God the Lord curved in and out the wind our way. We gallop on, we seem to the holding our own. We had entered the outskirts of the forest of Zenda. फाइनली दे एंटर्ड इन टू द फॉरेस्ट ऑफ जेंडा. अब वो किंग से बहुत नज़दीक है क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में आके और शूटिंग लॉज भी कहाँ है फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में. एंड द ट्री क्लोजिंग इन बिहाइंड अस द ट्रैक ज़िगज़ैग प्रिवेंटिंग अस सीइंग आवर पर्सुएसर एंड देम फॉर सीइंग अस. अनदर हाफ आवर्स ब्रॉट अस टू डिवाइड ऑफ द रोड सेड ड्यू रेन. टू द राइट इज अ रोड ही सेड, टू द लेफ्ट इज अ कासल. Each above the 8 miles, get down. There will be on us, I cried. Get down. अब देखो कोई आ रहा है इसके आस पास. इनको पता चल गया कि कोई है. तो अब कॉर्नर सैफ और डैसिंडल चुप गए हैं. अब कहाँ छुपे हैं ज़रा देखते हैं. द वुड वॉज डेंस टू बी वेरी एज ऑफ द रोड. वी लेड आवर हॉर्स इन द कोवर्ड एंड बाउंड हैंकरचीफ ऑन देयर आईज एंड स्टूड बिसाइड देम. वी वॉन्ट टू सी हु दे आर. आई विश पर. अब रेसिंग जो कह रहे हैं मुझे इन लोगों को देखना है ये लोग कौन है. आई सो दैट इज रिवॉल्वर वॉज इन हिज हैंड. रेसिंडल ने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी है. नियरर टू द नियरर कैम द होप. द मून शोन आउट ना क्लियर एंड फूल्स. द रॉड वॉज वाइट विद इट. द ग्राउंड वॉज हार्ड. वी हैड लेफ्ट नो ट्रेसेस. हियर दे कम विश्वर सेप. अब यहाँ पे लोग आ गए. वो जो दो आदमी है ना इसके पास आ गए. अब ये कौन है. आई थॉट सो ही आंसर. इट वॉज अ ड्यूक. अब देखो वो दो आदमियों में एक आदमी कौन है. माइकल है. ड्यूक जब भी ड्यूक का वर्ड है तो आप समझ जाना माइकल की बात हो रही है. एंड विद हिम अ बर्ली फेलो वुम आई नो वेल हु हैड कोज टू नो मी आफ्टर वर्ड मैक्स वुल्फ. गर्ल्स ये देखो दूसरे आदमी का नाम क्या है. मैक्स वुल्फ है. और ये कौन है. ब्रदर टू जोहान द कीपर. और ये आदमी कौन है. जोहान का भाई है. और ये भी ब्लैक माइकल के लिए काम करता है. अब जोहान इज़ अ वेरी गुड पर्सन बट हिज मदर एंड हिज ब्रदर आर नॉट गुड पर्सन. अब इसकी मदर और इसके ब्रदर अच्छा नहीं है जो कि ब्लैक माइकल के लिए काम करते दोनों ही. कौन. मदर और ब्रदर. तो मैक्स वुल्फ इसके भाई का नाम है जोहान के. अब रास्ते में जो दो लोग हैं ना जो जिनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी वो एक माइकल है और दूसरा मैक्स वुल्फ है. एंड अ बॉडी सर्वेंट टू हिज आईनेस. अब ये कौन है. बॉडी सर्वेंट है किसका. ब्लैक माइकल का. कौन. मैक्स वुल्फ. दे वर अप टू अस द ड्यूक रीन अप. आई सो सैड फिंगर कर लविंग टू वर्ड द टिगर. आई बिलीव ही वुड हैव गिविंग 10 years ऑफ हिज लाइफ फॉर द श्योर बट ही कुड हैव पिक ऑफ ब्लैक माइकल एज ईजीली एज आई कुड अ बैरन डोर फाउल इन द फार्म यार्ड. आई लेड माई हैंड ऑन हिज आर्म. ही नॉडेड reassuringly. He was always ready to sacrifice inclination to duty. अब यहाँ पे सेफ के हाथ में रिवॉल्वर है. अगर वो चाहता तो ब्लैक माइकल तो फायरिंग कर सकता था लेकिन उसने फायरिंग नहीं की. अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं. वी डोंट नो. यहाँ पे जो माइकल कर क्या रहा है फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में आप सोच रहे हैं. नेक्स्ट वीक हम इसका डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.